हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी दोपहर के 2:30 बज गया है और अभी मैं अपने खेत जा रहा हूँ। बाइक को यहाँ पे लगा दिए हैं, तो पीछे रोड है और उस रोड से मैं आया, बाइक तो वहीं पे छूट गया। तो अभी मुझे करीब 1/2 किलोमीटर जाना है इस साइड, तो 1/2 किलोमीटर जाएंगे तो मेरा खेत मिलेगा। तो खेत देखने आए हैं कि खेत में अभी क्या सीन है, पौधा निकला है या नहीं निकला और क्या सीन है अभी पौधे का। तो हम लोग खेती करते हैं, हमारा घर वाले सभी खेती करते हैं, यानी हमारे गांव तरफ जितने भी लोग हैं सारे खेती पे आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये मूर्ति जैसा बना हुआ, तो इससे ये फायदा होता है कि जब जानवर लोग आते हैं, यानी सारे जानवर आते हैं तो देखकर घूम जाते हैं कि वहाँ पे आदमी खड़ा है, इसलिए खेतों का बचाव होता है, खेतों में जो फसल लगा हुआ है, तो इसीलिए ये मूर्ति लगाया गया। ये मेरा नहीं है, दूसरे का खेत है इधर, तो मेरा और थोड़ा आगे है। तो अभी हम अपना खेत जाकर दिखाते हैं कि मेरे खेत का क्या सीन है। इधर काफ़ी झाड़ी भी है और काफ़ी काटा काटा वाला पेड़ भी है, तो सोच समझ कर चलना पड़ता है इस रास्ते में, क्योंकि अगर सोच समझ कर नहीं चलेंगे तो काटा चुभ जाएगा। हमारा खेत आगे है, तो अभी यहाँ से मुझे पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोल बिछाया गया ताकि इधर पानी है और काफ़ी थोड़ा गड्ढा भी है, तो गड्ढा में जाने से अच्छा है कि इससे चले जाएंगे। तो फाइनली अभी अपने खेत के पास पहुंच गया हूँ। ये मेरे यहाँ से स्टार्ट होता है खेत और सीधे आपको जो उधर पेड़ दिखाई दे रहा है वो पेड़ तक मेरा है, और बाकी एक उधर है तो वहाँ तो नहीं देखेंगे, क्योंकि यही देख लिए, इसका हालत अभी काफ़ी ख़राब है पेड़ का। आप देख लीजिए, इधर मेरा छोटा छोटा पेड़ है और बगल में देख लीजिए तो काफ़ी बड़ा बड़ा पेड़ है। तो पेड़ छोटा छोटा इसलिए है कि आप पिछले ब्लॉग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी लेट से धान का रुपाई मेरा हुआ, सारे लोग का रुपाई हो चुका था, तब उसके बाद मेरा लगभग 5-6 दिन के बाद मेरा स्टार्ट हुआ, तो उसी की वजह से थोड़ा मेरा जो पौधा है वो कमज़ोर पड़ रहा। पानी नहीं पड़ने की वजह से देखिए खेतों में पूरा दरार फट गया है, तो सिंचाई करना बहुत ज़रूरी अभी लग रहा है। बगल वाले खेत में देखिए पानी है तो इसका पौधा ठीक ठाक लग रहा है और बिल्कुल हरा हरा है, तो मेरे खेत में भी पटाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरे का खेत है, मेरा इस साइड हुआ, तो मेरे में तो काफ़ी ख़राब हालत है। अभी इस साइड थोड़ा पानी है तो इस खेत से गया होगा इधर, और उधर तो पूरा सूखा हुआ है। सिंचाई करने का मेरे पास कोई साधन है नहीं, इसीलिए बारिश के भरोसे पे टिके रहते हैं कि बारिश होगा तो अच्छे से सिंचाई हो जाएगा, लेकिन दूसरे का मोटर वहाँ पे लगा हुआ है ये साइड, एक दो मोटर है, तो उनको बोलेंगे कि पटवन करा दें, तो फिर वो लोग पटवन करेंगे तो मेरे पौधा जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएंगे। सो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी दरार फट रहा है तो दिक्कत तो है ही पौधा को। एक मोटर यहाँ पे है तो इसी से सिंचाई होता है हम लोगों का, तो ये अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी लाइट नहीं है, लाइट शायद कट गया है तो अभी बंद पड़ा हुआ है। तो लाइट आएगी तो अभी इस साइड का पटवन होगा, उसके बाद फिर हम लोगों का होगा, हम लोगों का इस साइड है। अगर इस टाइम बारिश हो जाए तो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट होगा। अगर आप देखेंगे सभी के खेत में, तो सभी के खेत में यही हालत है, दरार फटा हुआ मिल जाएगा। सो दोस्तों, यही हमारा खेत था और आप लोगों को दिखा दिया, बस इसी से है हमारे लोग का जो खाना है पूरे साल तक चलता है। जिस टाइम मारा हो जाता है उस टाइम फिर काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों को सहना पड़ता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। देखकर ऐसा लगता है कि हम क्या गलती किए जो हमारे खेत का हालत उस टाइप का है।